हे एवरीवन, वेलकम टू बाइनरी वीकर। तो इसके पहले वीडियो में हम देखे कि कैसे हम किसी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन के नंबर से उसका शेप निकालेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसका शेप कैसा होता है, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला था जो था, मान लीजिए sp2 sp3। अगर आपको ये अब पता नहीं कि कैसे ये सब निकालते हैं, तो मेरे पहले वाले वीडियो में ये ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है कि कैसे ये सब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो अभी इस वीडियो में देखेंगे कि इसका शेप कैसा होता है। तो sp sp2 sp3 एंड आगे जो होता है sp3d, फिर sp3d2, फिर आता है sp3d3। ऐसा हमारा शेप, ऐसे हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है। ठीक है, तो मतलब जो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि sp d f, ये सब हाइब्रिडाइजेशन में, एंड सो ऑन, इसके भी आगे हैं, लेकिन हमें उतना नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए sp d तक। तो इससे हम देखेंगे ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। फिर अगर बात करें sp की, तो sp का जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता था, आई होप आपको याद है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि sp का कितना नंबर होता है, 2, राइट? तो 2 होता है sp का। तो इसका जो शेप है वो है लीनियर, लीनियर शेप होता है इसका। ये दिखता ऐसे, इसमें 50% जो होता है वो एस कैरेक्टर एंड 50% जो होता है वो पी कैरेक्टर होता है। इसका शेप कुछ ऐसा होता है जिसमें वो एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे BEF2 और BEH2 या फिर BECL2, इसका एग्जाम्पल्स ये सब होता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे sp2 का। तो sp2 का जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 3। ठीक है, इसमें जो एस कैरेक्टर है वो 33.33% इसका एस कैरेक्टर देखा गया है, और इसका पी कैरेक्टर 66.66% इसका पी कैरेक्टर दिखाया गया है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा कुछ दिखता है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। सभी एंगल होता है 120 डिग्री। इसका एग्जांपल जैसे कि BF3, BH3, ये सब इसका एग्जांपल्स हैं। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे sp3 का। तो sp3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है 4, और इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। इसमें 25% एस कैरेक्टर होता है और बाकी 75% होता है इसका पी कैरेक्टर। ये दिखाएंगे अभी कैसा होता है शेप। टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका कुछ ऐसा। तो sp3 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, और इसका जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री। एंड इसका एग्जांपल जैसे इथेन, इथेन मॉलिक्यूल इसका एग्जांपल है। तो ये गया कि sp3 का। अब नेक्स्ट देखेंगे sp3d का। एक एग्जांपल इधर है, ये रहा sp3d का। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर। और इसका एग्जांपल PCl5, इधर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसा होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये होता है
PCl5 का 5 Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है sp3d का। अब नेक्स्ट देखेंगे कि sp3d2 का, ये मॉलिक्यूल है sp3d2 का, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल और इसका एग्जांपल है SF6 मॉलिक्यूल। ये इसका SF6 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। इसमें इसका ऊपर में भी होता है और नीचे में भी होता है, इसमें 6 फ्लोरीन ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आया कि कैसा होता है स्ट्रक्चर, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया। तो और भी ऐसे वीडियोस के लिए, या फिर आपके पास अगर कोई आइडियाज है कि किस टॉपिक्स में वीडियो बनाए, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।